मैम आपको आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। एक मिनट मैडम, मैं चुप, मैं देखती नाउ ओके मैम, हूँ। आ गई आ गई मैम। ओके मैम आ आवाज आ रही है गई। मैडम आवाज? जी जी यस जी बिल्कुल मैम। अब हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा त्रिपाठी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के महिला शिकायत एवं कल्याण प्रकोष्ठ की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारी मुख्य वक्ता प्रोफेसर तूलिका सक्सेना जी, चीफ प्रॉक्टर सर, रजिस्ट्रार सर, यहाँ उपस्थित समस्त विभाग अध्यक्ष, शिक्षकगण, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हो रहे हिंसा की रोकथाम तथा महिलाओं को सशक्त, भयमुक्त एवं सुरक्षित बनाने हेतु यह प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के साथ समय समय पर हमारे विश्वविद्यालय में इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार आयोजित हो रहा है। हम सबको विदित है कि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के यौन शोषण के मामलों के संदर्भ में विशाखा गाइडलाइन की घोषणा की थी। इसी संबंध में आज का विषय है एनहेंसिंग ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड डिग्निटी थ्रू विशाखा गाइडलाइन। मैं अपने कुलपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनके सहयोग से और मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कुलगीत से आरंभ होती है, इसलिए मैं अब तकनीकी टीम से अनुरोध करूंगी कि वह कुलगीत आरंभ करें। विश्वविद्यालय अवध की शान का मंदिर, यही गंगा यही यमुना यही है भारती वास, त्रिवेणी है यही अपनी, मिले है सत्य शिव सुंदर, कर
सारे घाटों पर जहाँ निर्मित हुआ वह राम की आख्यान का मंदिर वही है ज्ञान का मंदिर कला विज्ञान का मंदिर हमारा विश्वविद्यालय अवध की शान का मंदिर के कैलाश का कल्याण का मंदिर यही है ज्ञान का मंदिर कला विज्ञान का मंदिर हमारा विश्वविद्यालय अवध की शान का मंदिर अवध की शान का मंदिर अवध की शान का मंदिर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में मैं अब अभिभावकों और छात्रों को छात्रा सुरक्षा शपथ ग्रहण कराने के लिए हमारी समन्वयक प्रोफेसर तुहिना वर्मा जी को आमंत्रित करती हूं। सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर दें। प्रोफेसर तुहिना वर्मा मैम मनीषा मैम मैम नहीं जुड़ी हम लोगों से अभी आई थिंक यस मैम इज कनेक्टेड मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम जुड़ी है तुहिना मैम आज नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है इस कारण से दिक्कतें आ रही हैं। मनीषा मैम तुहिना मैम को एक कॉल कर लें आप जी मैम इज लेफ्ट नाउ एंड शी इज अनेबल टू कोई बात नहीं हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं शी इज ट्राइंग टू रीकनेक्ट यस शी इज कनेक्टेड नाउ अच्छा प्रोफेसर तुहिना वर्मा मैम सॉरी फॉर द इंटर फोन ले गई है मेरा बुलाओ इसको नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था हैं आवाज आ हाँ मैं हेलो आवाज आई आपकी अच्छा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले सुरक्षा शपथ शुरू करते हैं सर्वप्रथम लेना है वो बालकों द्वारा लिया जाना है तो सभी बालकों से जो भी इसमें जुड़े हुए छात्र छात्र हमारे उनसे अनुरोध है कि कृपया अपने आप को कर लें टेक्निकल टीम यस मैम अनम्यूट है
बालिका नागरिक के रूप में छोड़ दो लालच, नहीं अभी किसी से बात नहीं करनी, टॉपिक पर मत करो बिल्कुल मुझे। मैं शपथ लेता हूँ कि उनका सम्मान करूंगा और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूंगा। सुरक्षा करूंगा एवं परोक्ष रूप से, मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अपने कृत्यों शब्दों एवं महिला के अधिकारों का एवं मर्यादा का हनन नहीं होने दूंगा मैं शपथ लेता हूं कि मैं बालिकाओं एवं उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने में अपना पूरा योगदान होगा। जय हिंद जय भारत। इसके उपरांत ये दूसरा बालिका सुरक्षा शपथ है जो कि सभी अभिभावकों द्वारा लिया जाना है। सभी जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अनम्यूट कर लें जिस भी सिस्टम से वो शपथ इस प्रकार है। शपथ शुरू करते हैं। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ जाना है। तुम गाड़ी लाए क्या आज अपनी? तुमको छोड़ा होगा तक जाओ। मैं अपने रूपकों का भेद नहीं करूंगी मैं अपने बेटे और बेटी में भेद नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी सही और गलत का भेद बताऊंगी जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए कहती हूँ उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए आ जाओ उस गतिविधियों का
उसकी दैनिक गतिविधि पूरा ध्यान रखो। जय हिंद, ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं मैम, तुहिना मैम। डॉक्टर प्रतिभा प्लीज कंटिन्यू करिए। जी मैम, थैंक यू मैम। अब मैं हमारी मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता प्रोफेसर तुलिका सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूं। आप डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से PhD हैं तथा TM भागलपुर विश्वविद्यालय से आपने मैनेजमेंट में DLit की उपाधि प्राप्त की है। आपके 200 पेपर्स आर्टिकल्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशित हो चुके हैं। आपने आमंत्रित वक्ता चेयरपर्सन एक्सपर्ट के तौर पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज में 80 से ज्यादा व्याख्यान दिए हैं। आपके नाम 2 पेटेंट भी हैं। आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिसमें एनहेंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी का विमोचन हमारे प्रदेश की महामहिम आदरणीय आनंदीबेन पटेल के कर कमलों द्वारा हुआ है। आपको भारत सरकार एवं उनके कई मंत्रालयों से अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैम, अब आपसे अनुरोध है कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू मैम। मैम आवाज बंद है आपकी। हाँ मैम, आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा, मुझे कितना टाइम मिला है मैडम, मैं पहले ही से जानना चाहती हूँ। लगभग कितने मिनट्स या क्या है, मतलब कितने टाइम में मैं खत्म कर सकती हूँ अपनी बात को? मैम लगभग 35-40 मिनट्स में। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम मैम। ओके, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद, रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार, फैकल्टी मेंबर्स, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर तुहिना मैडम, मैडम हु इज taking the stage onwards, and the entire guest dignitaries present here, the participants, media, students, my greetings to all of you. And I am honored to interact with you on this platform today on a very important topic, that is women empowerment and dignity. And I will be highlighting this particular topic with the help of Vishakha guidelines that has been framed after a case of Bhavna Devi. I'll be discussing it in my slides. And a verdict was passed by the Honorable Supreme Court of the country. And now we all are, strongly instructed to abide and adhere with those guidelines to prevent any of such activities that hampers a woman empowerment and her dignity. On the same platform, I would like to let you know, being a lady also, being a woman, being a mother, being a professional, being a wife, and coming across through various incidents in organization, during school times, during college times. So I would say that we are 50% of the entire population, that is women. And now when the demographics of the working profile has been changed remarkably from the decades together, like we can see apparently ki 20 se 30 saal mein itna zyada farak aa gaya hai ki main samajhti hu कि यही फिगर 50% का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं तो 50% से भी ज्यादा महिलाएं होती हैं, और उनके लिए वो वर्कफोर्स को क्रिएट करती हैं। सेम टाइम रियरिंग बियरिंग चाइल्ड का ब्रिंग ब्रॉटअप वो भी उन्हीं के ही हाथों में होता है। उनके लिए कुछ इंस्ट्रिंजेंट नियम होने ही चाहिए। कुछ भी करने के पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, या मैं वो जो आधा हाफ है सोसाइटी का उसके भी तक ये मैसेज जरूर
जाना चाहूंगी कि इसके लिए इतने स्ट्रिंजेंट नियम बना दिए हैं सरकार ने कि अब बचना मुश्किल है, अब आप इससे कुछ भी गलत काम करके बच नहीं सकते हैं। वही मेरा टॉपिक है, ताकि हम इस आधे प्रतिशत विमेन जो हमारी, अगर हम ग्रंथ और पुराणों में भी जाएं तो जिसको शक्ति की उपाधि से जाना जाता है, जिसको हम शक्ति कहते हैं, उसको कभी हम जीन फील ना करें, उसको गलत दृष्टि से ना देखें। अभी उतना ही अधिकार क्षेत्र है जितना कि एक पुरुष का है, किसी भी महकमे में काम करने के लिए, इज्जत पाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए, और अगर यदि उसने कुछ पढ़ाई लिखाई करी है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए। हमारे सारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महामहिम आदरणीय आनंदीबेन पटेल, सभी लोगों की, और जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, continuously we come across the sayings that women empowerment is the hour of the day, then what we should be doing to gain a place that we are really really empowered. Ab jahan empowerment ki baat aayegi wahan do teen cheeze sure hai. First, we should have a decision making authority with us in all the sequences, in all the profiles, in all the jurisdiction areas where we are working, whether it is organization, whether it is household affairs, whether it is an educational society, whether it is a market society, for example, a business woman or whatsoever. Secondly, a woman is empowered when she is financially independent. And that is why we come across the schemes, whether it is MNREGA, whether it is other schemes which empowers women for daily wages schemes and all, everything is being going to her account. So again, when a woman becomes financially independent, she is empowered. Now coming back to my topic itself, that is, what is Vishakha guidelines and why there is a need to follow these Vishakha guidelines, which says that government has set up certain stringent, very very stringent rules and regulations, and compliance to which is a mandatory process, failing which there are disciplinary actions against the entire society, whether created or already inbuilt. So before that, to build a strong society, the man and the woman both have to work together, and they should be complementary and supplementary in nature. Both have some strength and weaknesses, and to understand the same, the gender sensitization comes into picture. This sensitivity to understand the qualities or the weakness of either of the gender will be there by providing respect, mutual rapport, bring best of the person to build a strong society, workplace, and subsequently a strong nation. The law has been formulated to safeguard the dignity of the women and to make her empowered. The sexual harassment of women at the workplace, and for that, an act is there, that is Prevention, Prohibition, and Redressal Act 2013. The act provides for very stringent measures by the employers and strict actions against any of the offender because of that aggrieved woman. The act also provides for the mandatory awareness programs to be conducted in every organization, and that is why the Mission Shakti, that is the program that is, has been taken over by the Honorable Chief Minister of the State, Honorable Aditya Yoginath ji, that how this is one kind of such programs that to make people aware as a part and parcel of the awareness drives, that non-compliance of any of the rules or the provisions of the act attract serious penal actions on the offenders or the employers. Thus, every employee and employer requires to know the basic provisions of the act. The workshop and the lecture will be suitable for both the genders, and the it will create a safe and healthy environment. Afterwards, when I am finishing off my the topic, I'll covering some of the major course of action here in my deliberation. To name a few, to equip the participants to understand stereotypes in gender and how they are formed. Second, gender and differences in approach and communication. Under the Vishakha judgment clauses, preventive and remedial procedures at workplace to ensure workplace safety for women. Regenerating values and building trust between genders. Last but not the least, organizational practices for women, safety and prevention of sexual harassment at the workplace, legal implications for the women's safety,
and use of technology as well. Now I would like to share my slides on the topic. So just give me a minute, please. My slides are visible? No, ma'am, not yet. Okay, 1 minute. Ma'am, first you open the slides, then start sharing. The slide is open, okay. And then start sharing. मैम बॉटम पे लिख के आ रहा होगा स्टार्ट बॉटम पे आ रहा है एक्चुअली गूगल का तो मुझे आइडिया है गूगल मीट का लेकिन इसमें चलिए कोई बात नहीं मैं इसी तरीके से बताती हूँ ओके मैम को बता दीजिए तीसरा स्पीकर लिख के आ रहा होगा मैम ग्रीन कलर का टैब आ रहा होगा शेयर स्क्रीन का बॉटम लोकेशन उसका थोड़ा बता दी जहां पे मैम चैट पार्टिसिपेंट ये सारी चीजें आ रही होंगी नीचे फुटर में एकदम मैम हाँ मैडम एक मिनट मुझे लग तो रहा है जी देखना बेटा जरा गौरी वो भी नहीं है इसमें ये हाँ अब इसमें शेयर स्क्रीन हाँ वो शेयर ग्रीन कलर का टैब होगा मैम उस पे क्लिक हाँ उसमें वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर साइमल्टेनियसली एंड एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस ओनली होस्ट ऑल पार्टिसिपेंट No, ma'am. You are co-host. You can share your screen. Okay. Just click on the tab, ma'am. The arrow, green color arrow is there, na? हाँ, अब तो मैंने क्लिक कर दिया है. One participant can share at a time. ये लिखा हुआ है इसमें. इसमें टिक भी लगा हुआ है. और मल्टीपल Participants can share simultaneously. No, no, ma'am. Green color का वो जो tab है, उसपे click करिए. Arrow पे नहीं. जो green color का tab सा बना हुआ है, ma'am, उसपे click करिए. उसके बगल में जो upwards arrow है, उसपे नहीं. वो arrow पे click करने पे आपको ये options खुल जाएंगे. हाँ, okay. अब आपको तीन चार चीजें जो desktop पे खुली होंगी, वो सारी window. हाँ, yes, started now. Okay, madam. नकुश डाली इसी पार जाएगा अभी तो शेयरिंग बंद हो गई होगी मैडम हाँ मैम मैम पहले आप अपनी पीपीटी खोल लीजिए फिर हाँ हाँ ठीक है मैडम बस एक मैं ना बर्मा ना हूँ ये गेस्ट हूँ नहीं सिर्फ लेक्चर करा होती हर महीना
Yes, started again. Yes, visible now. Okay. Now, these are Vishakha guidelines, which are meant for controlling sexual harassment at the workplace. And I have taken this slide from the attorney at law, Eltersit Global, where the email and everything has been mentioned. That is the source. Now, coming to the introduction, slides are visible. Yes, ma'am. As Zia Modi says in her book, 10 Judgments That Changed India, judicial activism reached its pinnacle in Vishakha versus the state of Rajasthan guidelines, on which this particular topic of mine is based. Ki what was actually Vishakha guidelines and how it was emerged? What is the origin point of the same? The Supreme Court provided the first authoritative decision of sexual harassment at the workplace in India. The Supreme Court acknowledged and relied to a great extent on international treaties that had not been transformed into municipal law, and it confronted with a statutory vacuum. It went creative and proposed the route of judicial legislation. Like, for example, on the international treaties and compliances, we were not able to find out a clear-cut way and rules and regulations after that act has been passed, that what stringent disciplinary actions can be taken to check this particular kind of atrocities against women. So this particular guidelines were framed. What was happened actually? What is the story behind? Hua kya tha? Vishakha guideline kya hai? Kyun banayi gayi? Ab isko hum discuss kar le pehle. So what happened? Fact. Bhavna Devi, who was the social worker Sathin, social worker ko Sathin bolte hain Rajasthan mein, was brutally gang raped by a number of upper class men as she tried to stop a child marriage. Uski wajah ye thi, usne child marriage ko rokne ki koshish kari. Bhavna Devi ne, jo social worker thi Rajasthan mein, aur she was gang raped. The incident took place late back in 1992. Bhavri Devi was determined to get justice, so he lodged a case against offenders. However, the accused were acquitted by a trial court. Several inspired women's group and NGO filed a PIL. Wo log chhoot gaye, kuch zyada hua nahi. Fir Bhavri Devi ko support karne ke liye aas paas ki jitni bhi NGOs thi, women groups the, jo unhone public interest litigation, jo public interest mein society at large mil karke join file karta hai, PIL jisko kehte hain, wo unhone file kiya in the Supreme Court under the collective platform of Vishakha, asking the court to give certain directions regarding the sexual harassment that women face at workplace. The result is the Supreme Court judgment, which came on the very memorable date, that was 13th August 1997, and gave the Vishakha guideline. So it was happened in 1992, and it took almost 5 years to get Vishakha guidelines framed for the purpose, and it was administered with the effect from 1997 onwards. So the result of the Supreme Court judgment, which came on the 13th August 1997 and gave Vishakha guidelines. The judgment of August 1997 provided the basic definition of sexual harassment at the workplace and provided guidelines to deal with it. It is seen as a significant legal victory of women groups in India. Unki legally vijay hui thi.
वो औरत जिसको एक गैंग रेप का सामना करना पड़ा एक अच्छे कॉज के लिए, वो चाइल्ड मैरिज रोक रही थी, लेकिन आसपास के सारे और एनजीओ फिल करके उसके लिए पीआईएल फाइल किया एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स वर्डिक्ट ऑन दिस वेरी मेमोरेबल डे दैट इज 13th August 1997. Now, what was the issue of the case? The Supreme Court had inspected the case, which highlighted the problem of gender equality, inequality, outraging the modesty of women, sexual harassment at workplace and rape, as societal issues of substantial intensity, thus violence against women. So what was the cause behind? Kyun di gayi ye guidelines? Because subsequently what Supreme Court realized and highlighted this problem as a gender inequality. Bahut kuch hone par bhi abhi bhi hum gender ko inequal mante hain ki agar wo koi baat acche cause ke liye raise karta hai gender, female gender, to aap gang rape jaisi baat kar denge, aap usko physically torture kar sakte hain, violence create karte hain. This is very, very humiliating and a shameful act, outraging the modesty of a woman and the sexual, any kind of sexual harassment, not physically, it may be verbally also, it may be through eyes also. So I'll be coming to that. What are the behaviors? Certain offensive behaviors are also there, which are part and parcel of the Vishakha guidelines behaviors. That is the outcome of the same judgment. And rape as a societal issues of substantial intensity. So what was the decision? I'm reading out the decision for my participants today. Each such incident results in violation of the fundamental rights of gender equality and right of life and liberty. I repeat, each such incident results in violation of the fundamental rights of gender equality and right of life and liberty. जो कि इक्वली विमेन को भी दी गई है. अ रिट ऑफ मैंडमस इन सच अ सिचुएशन इफ इट इज टू बी इफेक्टिव नीड्स टू बी अकंपनीड बाय द डायरेक्शंस फॉर प्रिवेंशन एज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस काइंड इज अ रिकरिंग फिनोमेना. ये होने के बाद भी बार बार होता ही रहता है, ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते ही रहते हैं. 92 और 97 के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये चीजें रुक गई हैं. The fundamental right to carry on any occupation, trade or profession depends on the availability of a safe working environment. Ab aap koi bhi industry, factory, organization, occupation, trade mein agar women ko rakh rahe hain ya wo chala rahi hai to sare safety ke measures unko take up karne honge aur ensure karna hoga ki ye sare rules and regulations se wo adhere karte hain. उससे स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करते हैं. राइट टू लाइफ मींस लाइफ विद डिग्निटी. एग्जैक्टली, इफ शी इज अ वुमन शी हैज नो डिग्निटी. दिस इज रियली रियली सरप्राइजिंग एंड आयरोनिकली एट द सेम टाइम. द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग सच सेफ्टी एंड डिग्निटी थ्रू सुटेबल लेजिस्लेशन एंड द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिज्म फॉर इट्स एनफोर्समेंट इज ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. So this was the judgment in brief, what I have read for you all. With no domestic legislation to adequately address sexual harassment in the workplace, the court undertook measures to enforce gender equality and non-discrimination in accordance with the universal human right and norms. So this is human right and norms that there should be freedom of life, freedom of liberty, freedom of dignity. It goes with men and equally with women. And if so ever it is being violated, you have to be behind the bars. And the women grievance cell, of which Professor Tuina Madam is heading, has a power of the court. If a person is caught, litigation of the accused has been proved, thus against the offender,
I think my slides are not there. Yes, ma'am. Interrupted. Okay, please again sharing. One minute. Provisions in law. Sexual harassment in the workplace is a violation of women's human rights. Specifically, I'm reading out for you, Constitution of India says, Article 14, equality before law. Article 15 says, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 19, 1G says, right to practice one's profession or to carry on any occupation, trade, or business. And Article 21 says, right to life and personal liberty is a fundamental right of a human, let it be women or a man. In particular, the court referred to India's ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. As an acronym, we say it's CEDAW, which prohibits discrimination in the workplace and outlines specific state obligations to end it. Article 11(1)(AF) says, the right to work and right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of functions of reproduction. Article 24 states, parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the full realization of rights recognized in the present convention, General Recommendation number 19, on any kind of elimination of violence against women, whether domestic or during the workplace. These are a specific rule already mentioned in the constitution of our nation, apart from the Vishakha guidelines. Now, coming to the Vishakha guidelines versus the state of Rajasthan, because Bhavri Devi belongs to the state of Rajasthan. And because of Shri Bhavri Devi and the public litigation, public interest litigation, that was PIL, which was filed not only by the Bhavri Devi, but by other NGOs and the women groups also, then the judgment came and it was read like this. Definition, sexual harassment. As per the Vishakha guidelines, it says, unwelcome sexually determined behavior. A woman has a inbuilt feature. Uske ek kisi bhi women mein ek inbuilt feature hota hai, jo usko God gifted hota hai. Wo male gaze ko pehchanti hai. Kis koi bhi women hai, ladki hai, kisi bhi age group mein hai, bahut logon ke se milti hai, unse baatein karti hai. Lekin usko ye bilkul pata hota hai andar se ki kaun vyakti kaisa hai. Hans ke sabhi baat karenge, lekin us hansi mein bhi kya chupa hai, aapko pata rehta hai. To kuch behavior to aap welcome karte ho. आपको कुछ ऐसा apparently नहीं लगता, लेकिन कुछ behavior hidden होते हैं. ऊपर से तो superficially कुछ और दिखता है, लेकिन behavior welcoming नहीं होता. उस male gaze को a woman can identify, and this is an inbuilt feature in every woman, girl, female, every inbuilt feature gifted by God, gifted by the grace of God, वो पहचान लेती है. So the first line, the sexual harassment, हम केवल sexually harass करने को ही नहीं कहते, विशाखा guidelines के हिसाब से. जो मैं पढ़ के बताती हूँ या जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो पढ़ना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि हम इसमें से कुछ ऐड या डिलीट नहीं कर सकते हैं. लेकिन केवल सेक्सुअली हैरेस होना ही इज नॉट सेक्सुअल हैरेसमेंट, बट अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमिंड बिहेवियर इज ऑल्सो अ सेक्सुअल हैरेसमेंट. सेकेंड, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस. आपको किसी ने कोई छू के बात कर रहा है, कोई टच कर रहा है बेवजह, या उसकी जो हाव भाव है, प्रक्रिया है, वो बहुत वेलकमिंग नहीं है. आपको समझ में आ रहा है कि समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम, दिस इज नॉट डन, ही शुड नॉट टॉक टू मी, ही इज नॉट ऑट टू टॉक टू मी लाइक दैट, वेदर इज अ बॉस, हूसोएवर ही मे बी, अ रिलेटिव, एनीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट ही इज नॉट ऑट टू गो and proceed for physical, any kind of physical contact and advances beyond the physical contact. Sexually colored remarks, जो हम श्लेष अलंकार में बात करते हैं, hidden meaning कुछ और होता है और ऊपर से उपमाएं कुछ analogies दी जाती हैं. So that is not sexually harassment, but again, it is the part of sexual harassment.
सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिसका मतलब कुछ और ही निकल रहा है. डिमांडिंग और रिक्वेस्टिंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स, आप किसी का प्रमोशन, किसी की चीजें इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आपको कुछ अलग तरीके के फेवर्स चाहिए. दिस इज अगेन इक्वल टू दी सेक्सुअल हैरेसमेंट, बिकॉज हियर यू कैन सी दीज आर ऑल इनसाइड द सेक्सुअल हैरेसमेंट. नेक्स्ट, शोइंग एनी काइंड ऑफ पोर्नोग्राफी, कि जो गलत वैसी साइट्स होती हैं वो किसी को दिखाना, जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व करना, मैसेजेस भेजना व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक पे कोई साइबर क्राइम का पार्ट बनना या अदरवाइज भी. तो आप अगर ऐसा किसी को शो कर रहे हैं, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. एनी अदर अनवेलकम कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, मे बी वर्बल और नॉन वर्बल और फिजिकल. देखिए वर्बल भी हो सकता है, अब नॉन वर्बल भी हो सकता है. तो सुनने में लगेगा क्या नॉन वर्बल भी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है? बिल्कुल होता है, अगले की निगाहों में होता है, उसकी स्कैनिंग में होता है. तो नॉन वर्बल भी जो क्यूज, जो कंडक्ट होते हैं वो पता लग जाते हैं, वो भी गलत होते हैं, वो भी इसी में आता है. स्प्रेडिंग र्यूमर्स अबाउट अ विमेन्स सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनीबॉडी, आप बिना जांचे परखे किसी विमेन को इस बात पे ब्लेम करें, एलिगेट करें, ये आप नहीं कर सकते. क्योंकि सबको आज की जो हमारी माइंड डोमिनेटेड सोसाइटी है स्पेशली इंडिया की, उसमें मेन कुछ भी कर ले, लेकिन अगर विमेन कुछ नहीं भी करे तो उसको नीचे गिराने के लिए ये एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप उसको इस तरीके से ब्लेम करिए, तो फिर वो और आगे बढ़ने के लिए सोचेगी भी नहीं. तो स्प्रेडिंग र्यूमर्स इज अगेन अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. बैड र्यूमर्स, फिल्दी र्यूमर्स, एनीथिंग एट वर्क दैट कैन प्लेस द वर्किंग वुमेन एट डिसएडवांटेज कंपेयर्ड टू अदर मेल एम्प्लॉइज इन हर ऑफिशियल कैरियर जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन कैन बी टर्म्ड एज सेक्सुअल हैरेसमेंट. आपने वो सारी चीजों से उसको डिप्राइव्ड रखा जो एक मेन को दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विमेन है, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्योंकि जेंडर बायस में आ गया. या फिर आपने उसको वर्क प्लेस में कुछ ऐसा डिसएडवांटेज दिया मेन के कंपैरिजन में जिसके लिए वो डिजर्व करती थी, तो ये भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है. ये मोटा माटी तौर पे दीज आर मेजरली और वी कैन से ब्रॉडली दीज आर सर्टेन डेफिनेशंस व्हाट विशाखा गाइडलाइंस गेव इन इट्स वर्डिक्ट through Honorable Supreme Court of the Nation. Now, general points. Vishakha versus State of Rajasthan, gender equality includes protection from sexual harassment and the right to work with dignity as per our constitution. Constitution ke clause maine kuch abhi aapko discuss bhi kiye the. Extra hazard for a working woman compared her male colleague is clear. Violation of the fundamental rights of gender equality and right to life and liberty. Any kind of extra hazard, extra से उसको डिफिकल्ट सिचुएशंस में लैंड अप करना, हैजार्डस कंडीशंस में डालना. सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ वर्किंग वुमन. एवरीबॉडी अमंग अस शुड नो दिस, बीइंग अ वुमन एंड बीइंग मेल आल्सो, मेल पार्टिसिपेंट्स आर आल्सो देयर, सो एवरीबॉडी शुड नो दिस दैट सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ वर्किंग वुमन एंड इन नो वे शुड वर्किंग वुमन बी डिस्क्रिमिनेटेड एट एनी वर्कप्लेस अगेंस्ट मेल एम्प्लॉइज. इफ अ वुमन इज then it must be documented in company policies, for example limitation of women in police and armed forces. to jahan kahin bhi aapke ye documentation hai ya gos hai ya jo aapki company ki policies hai your organization ke aapke jo bhi guidelines hai wahan pe ye sari cheeze bhi mentioned honi chahiye mandatory basis par. guidelines in its judgment the court provided a set of guidelines for employers as well as other responsible persons or institutions to immediately ensure the prevention of sexual harassment. These guidelines were formulated. Since then, civil and penal laws in India did not adequately provide for specific protection of women from sexual harassment in workplace. In accordance with Article 141 of India's Constitution, these guidelines were to be considered law until appropriate legislation was created. So Article 141 of the Indian Constitution says ye guidelines aapko law ki binding ki tarah manna padega jab tak iske upar constitution mein is tarike ke niyam kanoon laid down nahi ho jate hain. Now these are like this: duty of the employer or other responsible persons in the workplace and other institutions, preventive steps, criminal proceedings, disciplinary action, complaint mechanism, complaints committee has to be formed, workers initiative should be there ki agar wo koi step le raha hai to usko ruke nahi aur usko koi dar bhi nahi hona chahiye, awareness honi chahiye, any third party ka bhi wo le sakta hai arbitration,
कॉन्जुकेशन जो उसके जुरिस्डिक्शन एरियाज में आता है, जैसे आपका विमेन ग्रीवांस सेल ही है, आपके यूनिवर्सिटी में है, हर जगह होता है, उसकी भी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं. तो इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द पर्सन इन चार्ज ऑफ द सेम टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स एंड रीजंस रीजनेबल स्टेप्स सो एज टू असिस्ट द अफेक्टेड पर्सन इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड प्रिवेंटिव एक्शन नो प्रेजुडिस ऑफ एनी राइट्स अवेलेबल अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. तो 2013 के पहले 1993 में भी ये बात कही जा सकती गई है कि ये सारी चीजें आपके उसमें आती हैं. बस दो तीन स्लाइड्स और हैं. विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड जुडिशियल एक्ट 2013 क्या कहता है वो भी हम देख लें. सुपरसीडेड द विशाखा गाइडलाइन सेलियंट फीचर्स ऑफ द एक्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस Act 2013 makes it illegal to sexually harass women in the workplace. This act is only for women who are sexually harassed in the workplace. The act is for any woman who is harassed in any workplace. It is not necessary for women to be working at the workplace in which she is harassed. A working place can be office, whether government or private. Kuch bhi, koi bhi office ho sakta hai. उसकी कोई ये नहीं है कि यहीं पे ही अगर हैरेसमेंट हुआ तो आप कोई केस फाइल कर सकते हैं. द एक्ट इज फॉर एनी विमेन. ओके, द एक्ट डिफाइंस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस एंड क्रिएट्स अ मैकेनिज्म फॉर रिडेसल ऑफ द सेम. इवन इफ देयर आर नो केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द मोमेंट, इट इज स्टिल नेसेसरी फॉर द कमिटी टू बी सेट अप एंड ऑल follow all the rules and it talks about different ways in which someone can be sexually harassed and how they can complain against this kind of behavior. Usi wajah se sari universities mein chahe wo police office ho chahe wo corporate offices ho sab jagah aisa women redressal sexual redressal cell hamare yahan banaya hi jana mandatory basis pe zaruri hai. Ye chota sa chart hai to ye batata hai. Dekhiye aggrieved women working visiting workplace student hi koi bhi ho sakti hai. Dekhiye jo aggrieved women hai wo working bhi ho sakti hai, वो उस वर्क प्लेस पे विजिट करने वाली महिला भी हो सकती है, हो सकता है फुल टाइम ना वर्क करती हो, आती जाती हो, और वो कोई स्टूडेंट भी हो सकती है. अब अगर वो वर्किंग है तो वो डोमेस्टिक वर्कर भी हो सकती है, रेगुलर टेम्परेरी एडहॉक डेली वेजर भी हो सकती है, जो कि रिम्यूनरेशन वॉलंटरी बेसिस पे या किसी वजह से आती हो, वो एम्प्लॉयड डायरेक्टली या एजेंट की तरह भी हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर प्रोबेशनर ट्रेनी अप्रेंटिस भी हो सकती है. इसके अलावा ये सारी अलग अलग वो है जो इसके लिए आपको सर्विसेज देती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, हाउस, नर्सिंग होम्स, कॉर्पोरेट कंपनीज, फार्म्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हॉस्पिटल, सर्विस प्रोवाइडर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो यहाँ ये तो छोटे से एक उसमें मैंने बात करी है स्लाइड में, जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं हमारे देश में, विदेश में भी, वहां पर ये एक मैंडेटरी बेसिस पे ये चीज लागू करी जानी ही जानी है. उसके बाद ये कुछ और भी स्लाइड्स हैं. Office or the approaching court. Okay, now coming to critical analysis of the act. Coming to the critical analysis of the act. Firstly, it has those ladies operating within different scores. That area mostly men-dominated sectors. Usko bhi hum include karna padega. Fourthly, the availability relating to the fixing of the financial compensation for economic potential of the person makes it discriminatory. जो हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल पेनाल्टीज हैं वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती हैं. फाइनेंशियल पेनाल्टीज अदा कर देने से ही कुछ नहीं होता है, उनके लिए एक बड़ी सी बड़ी सजा जो कि आप कोर्ट ने कर भी दी है, तय फांसी तक की भी बातें हैं और इस पे भी बहुत से केसेस चले हैं और मान भी लिए गए हैं विक्टिम के लिए, तो उससे ऊपर उठने की बात है. फाइनेंशियल पेनाल्टीज को इसमें कुछ भी नहीं ज्यादा करके देना है. एंड कमिंग टू द कंक्लूजन और consequences. One of the major drawbacks which India should look that law books or journals har library mein har public places pe placed hone chahiye awareness ke liye. Kuch study kehti hai 60% working women abhi bhi isse aware nahi hai, unme kisi bhi tarike se is awareness ko lana chahiye. Aise programs hone chahiye, jagah jagah pe hone chahiye, public platform pe bhi hone chahiye. आइसोलेशन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए कि अगर वो किसी कोई कंप्लेंट उन्होंने लॉज कर दी जिसमें उनके एम्प्लॉयर या कलीग भी इन्वॉल्व है तो ऐसे केसेस को दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है. उसके कंप्लेंट्स को लॉज करने के लिए एनोनिमस कंप्लेंट्स के लिए जैसे
होता है पोर्टल की आप उसमें डाल दें जिसमें आपका नाम और चीजें नहीं आती हैं। इनका डेवलपमेंट हो चुका है और तेजी से होना चाहिए। किसी भी तरीके का वायलेंट और हैरेसमेंट को रोकने के लिए और स्ट्रिंजेंट नियम बनने चाहिए। किसी भी तरीके की कंप्लेंट किसी को थ्रेट करके वापस लेने की किसी भी बात पे इसके लिए सीरियस मेजर्स होने चाहिए। एंड विटनेसेस आल्सो टेंड टू शो देयर बैक सिंस दे आर थ्रेटन्ड टू रिमेन क्वाइट। जो भी उसके आई विटनेस होते हैं वो भी पीछे मुड़ नहीं आना सामने चाहते हैं क्योंकि उनको भी अपनी नौकरी के लिए या दूसरों से रिलेशनशिप खराब करने का डर होता है। तो उनके लिए भी कुछ रिवार्ड सिस्टम होने चाहिए या उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो ऐसे समय पे इस तरीके की बातें नहीं करें। MNCs में भी ये बात है जो अभी मैं स्लाइड में दिख रही है। इंडियन कंपनीज एंड 25% अमंग MNCs आर नॉट कंप्लेंट विद द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। तो MNCs भी हों जो मल्टीनेशनल्स हैं लेकिन इंडिया में उनका बिजनेस है और हमारे यहाँ का एक्ट है तो उसको भी इसमें उसको लागू मैंडेटरी बेसिस पे होना चाहिए। केवल ऑन पेपर्स ही ना हो फिजिकली भी इस पे हमको इस पे कार्यक्रम भी करते रहना चाहिए और एक्शंस भी लेना चाहिए। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन व्हाइल अ मर्डर डिस्ट्रॉयज द फिजिकल फ्रेम ऑफ द विक्टिम अ रेपिस्ट डिग्रेड्स एंड डिफाइल्स द सोल ऑफ द हेल्पलेस वुमेन। देखिए कितनी सही बात कही गई है। मर्डरर जो होता है वो तो एक इंसान को खत्म करके उसने उसकी बात ही खत्म कर दी। उसने मार दिया वो इंसान चला गया। लेकिन रेपिस्ट ने क्या करा, उसने बॉडी ही नहीं किल करी उसने सोल भी मार दी। वो आत्मा को भी मार देता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। मर्डर से भी ऊपर है रेपिस्ट क्राइम में। बिकॉज अ रेपिस्ट डिग्रेड्स एंड डिफाइल्स द सोल ऑफ अ हेल्पलेस वुमन। उसकी सोल तक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। बॉडी की तो बात छोड़ ही दीजिए। सो द इंटरनेशनल ब्रांड UBER ran into the series of trouble in the last year. Okay, so with this I must end with a quotation. A woman is like a tea bag. You can't tell how strong she is until you put her in the hot water, as per Roosevelt. So justice is required, as per Arjit Pasayan. So with this, I would thank you all for patience listening and for giving me this opportunity to act with you all today. Though there was technically defect and I could also join late, because there was some technical difficulties and it happens, that is the part of the life, but it was wonderful with all of you. So on this note, I thank you all. Please take care, have a very good life and spend it life ahead. Be aware, know your rules, know the constitution, and really, really we look forward to see India as a women empowered nation. Thank you once again. Jai Hind. धन्यवाद मैम आपके इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। मैम ने भावरी देवी के केस के माध्यम से हमें विशाखा गाइडलाइन का संपूर्ण परिचय दिया। जैसा कि मैम ने हमें बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा गाइडलाइन का निर्धारण कर हमारे देश की महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के लिए एक अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसके कारण महिलाएं अपने कार्यस्थल पर अपनी सुरक्षा को लेकर काफी हद तक निश्चिंत हुई हैं। मैम ने कई संभावनाएं भी बताई। अब यदि किसी श्रोतागण को कोई प्रश्न पूछना हो तो मैम से पूछ सकते हैं। मैम आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, इतनी अच्छी जानकारियां दी हम लोगों को अवेयर किया, इसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला सुरक्षा पर इतने कार्य हो रहे हैं जिससे लगता है कि हमारा आत्मविश्वास और बढ़ेगा। आप लोग बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे कुलपति आदरणीय प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी मुख्य वक्ता प्रोफेसर तुलिका सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया। थैंक यू सो मच मैम। इसी क्रम में मैं हमारे चीफ प्रॉक्टर सर, कुल सचिव उमानाथ सर, सभी विभागाध्यक्ष, आचार्य, उपाचार्य, अभिभावकों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहभागिता निभाई है। मैं अपनी तकनीकी टीम का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से हम अंत तक जुड़े रहे। अब मैं पुनः तकनीकी टीम से अनुरोध करूंगी कि आप राष्ट्रगान प्रारंभ करें ताकि कार्यक्रम का समापन हो सके।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे अब प्रोग्राम का समापन है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग हमसे जुड़े रहे इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।